सो हेलो दोस्तों, आ गया हूँ न्यू वीडियो लेकर और स्वागत है द सोलंकी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे रेड वुल्फ TWRP कस्टम रिकवरी जो कि आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं विदाउट एनी अदर कस्टम रिकवरी। मतलब कि अगर आपके पास कोई कस्टम रिकवरी नहीं है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप कैसे डायरेक्टली फ़ोन से रेड वुल्फ कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास बाय चांस रेड वुल्फ के लिए दूसरी कस्टम रिकवरी नहीं है, TWRP या फिर CMW क्लॉक वर्ल्ड मोड ये नहीं है, तो फिर आप कैसे इंस्टॉल करेंगे रेड वुल्फ को। तो चलिए यही आज हम जानेंगे। तो उसके लिए आपको एक PC चाहिए ही चाहिए होगा। जैसे कि हमने TWRP इंस्टॉल किया था वैसे ही इसे इंस्टॉल करेंगे, बस हल्का सा थोड़ा मेथड अलग है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कुछ फाइल्स प्रोवाइड कर दूंगा आपको, और इसके लिए आपको या एक PC या फिर एक लैपटॉप ज़रूरी है। इसी की हेल्प से आप TWRP रेड वुल्फ का इंस्टॉल कर पाएंगे विदाउट एनी कस्टम रिकवरी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। सो दोस्तों, ये रहा हमारे पास Redmi 4 4A या फिर आप कह सकते हैं 4X। मेरा है यहाँ पे सैंतनी, और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ये पहले से ही फास्ट बूट मोड में रखा है। तो बूटिंग फास्ट बूट का टाइम मैंने कट कर दिया है ताकि कम से कम वीडियो में ये ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम इसी में TWRP जो कि रेड वुल्फ का वर्जन है TWRP इंस्टॉल करेंगे, और इसके लिए आपको एक PC चाहिए होगा। बिना PC के ये इंस्टॉल नहीं होगा। और अगर आपको विदाउट PC वाला मेथड देखना है तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई कस्टम रिकवरी भी नहीं है तो ये भी वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको 3 फाइल्स प्रोवाइड करूँगा, एक ADB फास्ट बूट का और दूसरा रेड वुल्फ फॉर 4X सैंतनी रेडमी के लिए, और तीसरी होगी नो वैरिटी एनक्रिप्ट जो कि एक लेजी फ्लैशर फाइल है। तो ये तीनों ही आपको दूंगा, और इसमें से जो एक फाइल है जो कि लेजी फ्लैशर है नो वैरिटी वाली, वो आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डाल लेनी है जब हम रेड वुल्फ TWRP फ्लैश कर लेंगे। उसके बाद उससे पहले वो आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप रेड वुल्फ डाल लें उसके बाद डाल सकते हैं आप इसे। तो अब हम जो ADB फास्ट बूट है उसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और अपने रेडमी या फिर किसी भी डिवाइस को फास्ट बूट मोड में डाल देना है। तो यहाँ पे मैं ADB फास्ट बूट वाला जो फोल्डर है उसे मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे ये रहा उसका फोल्डर, और सिंपली आपको इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको एक फाइल दिखेगी CMD के नाम से, तो उस CMD वाली फाइल को आपको रन कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ CMD वाली फाइल को रन करना है, और उससे पहले आपको अपना डिवाइस जो कि फास्ट बूट मोड में है उसे USB के थ्रू अपने लैपटॉप या फिर PC से कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको CMD वाली फाइल रन कर देनी है। जैसे ही रन करोगे तो आपको एक कमांड प्रॉम्प्ट वाली विंडो खुल जाएगी, और वहाँ पे आपको लिख देना है फास्ट बूट डिवाइसेस। के बाद आपको एक डिवाइस का नाम आएगा जो कि एक फास्ट बूट मोड में है, और एक रैंडम नंबर, और वही आपका फास्ट बूट डिवाइस है। उसके बाद आपको कमांड डालनी है फास्ट बूट फ्लैश एंड रिकवरी, और उसके बाद आपको डाल देने हैं उस फाइल का नाम। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास रेड वुल्फ है, तो ये पहले तो आपको कमांड डाल देनी है, और फिर आपको वन मिनट जो मैंने आपको रेड वुल्फ वाली फाइल प्रोवाइड की है उसको आपको छोटा नाम रख देना है, थोड़ा सा redwolf.img रख देना है। तो img पहले से ही है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसे रीनेम करके रेड वुल्फ रख देना है ताकि हमें ज़्यादा एरर ना आए। और यहाँ पे मैंने रेड वुल्फ रख के एंटर कर दिया है। तो सीधा आपको नेम एंटर करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ करना है, और यहाँ पे आपको फिर एंटर मार देना है। एंटर का आप देखेंगे कि कुछ प्रोसेस होगा, फाइल फ्लैश होगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल फ्लैश हो चुकी है क्योंकि ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी भी फास्ट बूट मोड में है, और इसे हमें रीबूट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कमांड डालनी पड़ेगी फास्ट बूट
स्पेस रीबूट। तो यहाँ पे आप हम डाल देते हैं फास्ट बूट स्पेस रीबूट, जिससे कि आपका जो डिवाइस है वो रीबूट में चला जाएगा। और यहाँ का मैं थोड़ा सा कट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ का जो प्रोसेस है वो सेम है। आपका जो MIUI है आप सीधा एंड्रॉयड में एंटर कर देंगे, और उसके बाद आपको सीधा फिर से रिकवरी मोड में आ जाना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कट कर देता हूँ टाइम सेव करने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं रिकवरी मोड में आ चुका हूँ, और हम थोड़ा वेट करेंगे। और बूम गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड वुल्फ TWRP इंस्टॉल हो चुका है, और थोड़ा और वेट कर लेते हैं ताकि ये लोड हो जाए पूरा। और ध्यान दीजिएगा गाइस, ये अभी टेम्प्ररी पर्पज के लिए अभी इंस्टॉल हुआ है, ये अभी पूरा पूरा परमानेंटली इंस्टॉल नहीं हो चुका है। और यहाँ पे आप अपना USB बंद हटा सकते हैं और अपना लैपटॉप भी बंद कर सकते हैं। तो इसे परमानेंट इंस्टॉल करने के लिए आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना होगा। और मैंने जो आपको लेजी फ्लैशर वाली फाइल दी है, नो वैरिटी ओपीटी इनक्रिप्ट 6.0 जिप, और आपको उसे फ्लैश कर देना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्वाइप टू इंस्टॉल, और जैसे ही ये फ्लैश हो जाएगी आपका रेड वुल्फ परमानेंटली इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डन इंस्टॉलिंग, और ये पूरा का पूरा इंस्टॉल हो चुका है, जो कि हमें बताता है कि अब रेड वुल्फ TWRP परमानेंटली इंस्टॉल हो चुका है हमारे डिवाइस में। तो उसके बाद आपको क्या करना है, रीबूट पे क्लिक करके आपको रिकवरी सेलेक्ट कर लेना है। तो रीबूट रिकवरी जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे तो थोड़ा सा और टाइम लेगा रीबूट होने में, तो पैनिक मत होना। यहाँ का मैं टाइम थोड़ा सा और कट कर लेता हूँ, और ये 10 से 15 मिनट ले लेगा रिकवरी में रिबूट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं डिवाइस को रख देता हूँ, तो 10 से 15 मिनट बाद अपने आप ही रेड वुल्फ फिर से आ जाएगा। तो बस यही थी आज की वीडियो, पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल द सोलंकी वर्ल्ड। और अगर आपको मीम्स और डेली टेक्निकल स्टफ़ चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं @krishna_the_youtuber। तब तक के लिए गुड बाय।